अगर मेरी शादी तुमसे नहीं हुई ना, मैं जहर खा के जान दे दूंगी। अपने माँ बाप से कितना प्यार करती हूँ? बहुत ज्यादा। हेलो दोस्तों, मैं ज़ाइंस खान। दोस्तों आज मेरे साथ है ईशान भाई। तो भैया इनका एक प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम मतलब मैं ऐसा बता दूं कि हमारे समाज में अक्सर देखा जा रहा है। तो ईशान भाई क्या बात है और क्यों मेरे से मिलना चाह रहे थे आप, ये बताइए। दानिश भाई बात क्या कहूँ मैं, हमारा और हमारी गर्लफ्रेंड खुशी जिसका 3 साल से रिलेशन है और काफ़ी अच्छा है, जितना मैं प्यार करता हूँ होप्स वो मेरे से कहीं ज़्यादा करती है। लेकिन परेशानी पता है क्या हो रही है, प्यार तो हम दोनों करते हैं लेकिन खुशी का कहना है कि हम भाग के शादी करेंगे। क्यों करनी है उससे भाग कर शादी, और क्या रीज़न है, और आप क्या चाहते हो, आपके मन में क्या है, आप ये बताइए पहले। देखो प्यार तो मैं उससे करता हूँ, बिल्कुल, वो भी मेरे से करती है। हाँ। और सिंपल सा चीज़ है, जब प्यार है तो वहाँ शादी होना जेन्युइन है। हाँ। प्यार हम दोनों करते हैं, शादी हम दोनों करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या आ रही है, अभी जो हमारी सोसाइटी में चल रहा कास्टिज्म प्रॉब्लम, वो है, वो दूसरे कास्ट की है, मैं दूसरे कास्ट का हूँ। मैं तो अपने घर वालों को मना लूँ, लेकिन जहाँ तक मैं खुशी के घर वालों को जानता हूँ वो लोग एग्री नहीं करेंगे इस चीज़ से। खुशी का क्या कहना है? खुशी का कहना है कि वो घर में बात कर चुकी है, 3 साल का रिलेशन है, बता चुकी है, सब कुछ कर चुकी है, बट फिर भी घर वाले बोल रहे कि नहीं दूसरे कास्ट में नहीं जाना। और उसके साथ साथ उसके घर वाले अब उसके लिए लड़का देखना शुरू कर दिए, जिसको लेकर वो बहुत ज़्यादा घबरा गई है, बहुत ज़्यादा डर गई है और बोल रही कि अब हमारा क्या होगा। कोई नहीं, मैं कोशिश करता हूँ, मेरे से जो भी हो पाए बन पाए मैं करूँ। हेलो, हाँ खुशी कहाँ पे हो? मैं चल रहा हूँ और आप लोग मिलो, ठीक है? दोस्तों एक बात मुझे बोलना है यार, कि भैया माँ बाप के लिए बच्चे बहुत कुछ होते हैं और बच्चे के लिए भी माँ बाप बहुत कुछ होते हैं। और जहाँ बात आती है शादी की, इंटरकास्ट मैरिज, इंटर रिलेशन मैरिज, तो माँ बाप अपने अस्तित्व को देखते हुए, अपने समाज को देखते हुए कहीं ना कहीं पीछे हटते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कहीं ना कहीं उन्हें कन्विंस करना चाहिए, समझाने की कोशिश करना चाहिए, देखते हैं होता क्या है अभी। खैर एक और बात मैं आपको बता दूँ कि मेरा टीम के जो लोग हैं ना भाई, लाइक बहुत परेशान करके रखे हैं कि न्यू ईयर प्लानिंग और क्रिसमस प्लानिंग करनी है। तो मुझे कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, क्योंकि मेरे साथ है बिनमो, जो कि हमेशा मेरा साथ देता है। कैसे, बिनमो से मैं ट्रेड करता हूँ और वहाँ से अर्न करके सारे खर्च निकालता हूँ। तो भैया बिनमो से कैसे ट्रेड करते हैं आइए मैं बताता हूँ। मेरे मोबाइल में बिनमो मैंने ओपन कर लिया, आप देख सकते हैं मेरे रियल अकाउंट में 49,154 रुपये। उसके बाद यहाँ दिखा दे डिपॉजिट, यहाँ देखिए डिपॉजिट कैसे करते हैं, रुपया मास्टर कार्ड पेटीएम के थ्रू अपने पैसे को डिपॉजिट कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको दिखा दूँ एसेट, एसेट सेलेक्ट करना पड़ता है, यहाँ देखिए ऑलरेडी मैंने मेरा सेलेक्ट है। उसके बाद यहाँ इन्वेस्टमेंट, मैं हमेशा 7,000 करता हूँ, आप अपनी तरफ से यहाँ पर देख सकते हो जितना चाहे उतना कर सकते हो। उसके बाद मैंने अप पे या डाउन पे किसी एक पे टैप करना रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो थोड़ा सा इंतज़ार करने के बाद मैं यहाँ पे डाउन पे टैप कर लेता हूँ, आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं 12,810 रुपये का मेरा फ़ायदा हो चुका है। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ बहुत सारे ऑप्शन, जैसे कस्टमर सपोर्ट्स के यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है कि आप पे 24/7 आपको कस्टमर सपोर्ट मिल सकता है। उसके बाद मैं आपको यहाँ बता दूँ, यहाँ पे एक टूर्नामेंट चल रहा है मिड जनवरी तक, अगर मिड जनवरी तक आप टूर्नामेंट में एक्टिव रहे तो आप बहुत सारे यहाँ से अर्न कर सकते हो। तो भैया आप हो ही ना बेहतरीन बात, देखा आपने इतनी जल्दी मैंने कितने सारे अर्न कर लिए। और आप भी अगर अर्न करना चाहते हो तो देर की इस बात की लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड करें। और डाउनलोड करते ही आप जैसे रजिस्टर करोगे आपके डेमो अकाउंट में $1,000 मिलेगा प्रैक्टिस के लिए। तो देर किस बात की करें, जल्दी जाए। कितने टाइम के बाद मिले, कहाँ थे तुम इतने दिन से? मुझे तो पता है ये बैग पहले इतना भारी बैग ले रखा है, कहाँ पे रहूँगा, घर में रहूँगा और कहाँ रहूँगा। कैसे हो तुम? बहुत अच्छे, तुमने कहा।
फेस से तो नहीं दिख रहा है कि तुम अच्छी हो। क्या हुआ बता पहले क्या हुआ? क्योंकि तुम मेरी बात समझ ही नहीं रहे। क्या हुआ? चलो तुम बैठो तो पहले यहाँ पे बैठो। क्या हुआ? मैं क्या नहीं समझ रहा? बोला क्या मैं नहीं समझ रहा? मैं तुम्हें कब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। क्या क्या समझाने की कोशिश कर रही हो? वही बात। हाँ तुम समझने की कोशिश करो ना बाबू, वो कितनी बड़ी बात है। देखो जितना प्यार तुम मेरे से करती हो कहीं ज़्यादा उससे मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, ये तुम एग्री करती हो? करती हो ना? हाँ। तो फिर किस बात के लिए परेशान है? और ये कैसा शक्ल बना रखा है तुमने? तुम क्यों नहीं समझते ईशान? मैं समझ रहा हूँ, थोड़ा सा समझने की तुम कोशिश करो ना। क्या हो बोलो? तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। वो तो मैं भी, इधर देखो मेरी तरफ देखो, वो तो मैं भी नहीं रह सकता। अगर मेरी शादी तुमसे नहीं हुई ना मैं जहर खा के जान दे दूंगी ईशान। ये जहर खाना मतलब क्या है? कौन सा सोल्यूशन है? तुम मेरी बात तो समझने की कोशिश करो। तुम समझने की तो एक बार कोशिश करो। चलो इधर देखो, इधर देखो, मैं हूँ ना अभी तुम्हारे साथ। हाँ तो मैं हूँ ना अभी तुम्हारे साथ हूँ ना। हम चल के तुम्हारे घर वालों से बात करेंगे, ठीक है? उसके बाद हम बैठ के उनको अच्छे से समझाएंगे। यार 3 साल का रिलेशन है हमारा, बच्चों का खेल थोड़ी ना है। तुम्हें पता है हमारे समाज में इंटरकास्ट मैरिज कभी एक्सेप्ट नहीं करते। जब तक हम लोग उनको बैठ कर समझाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं। इंटरकास्ट क्या मतलब? दूसरे प्राणी होते वो लोग, उनके शरीर में दूसरा खून होता है। मेरे मम्मी पापा मेरी जान दे देंगे। आपके शादी करना सोल्यूशन नहीं होता। आप समझने की बात करो मेरे बाबू, आप मेरी बात समझने की कोशिश करो, ठीक है? एक बार अच्छे से शांति से हम घर वालों को बताएंगे, समझाएंगे। मुझे कुछ नहीं समझनी, जाओ। क्या हो गया भाई? अरे दानिश भाई देखो, समझा यार, समझने की कोशिश नहीं कर रही है। इनसे मिलो, ये मेरे फ्रेंड है, भाई भाई समान है दानिश भाई। कैसी हो? बैठो दानिश भाई, बैठो। हाँ ठीक हूँ मैं। बैठो। फिर क्यों रोना, चुप तो हो जाओ। क्यों रो रही है? कौन है ये आपकी? आपको तो पता ही है, यही है खुशी, यही है। क्यों रो रही हो? कुछ नहीं कहना। अरे तो वो कुछ पूछ रहे हैं ना, एक बार देखो। क्यों रो रही हो? पता नहीं किस बात के लिए। अच्छा सुनिए, मुझे पता है आप क्यों रो रही हो। एक बात बताइए मुझे, आपकी उम्र कितनी है? पूछ रहे ना। 19 19 साल की है। ये नहीं बोलेगी अभी, पता नहीं इसको कौन सा खुमार चढ़ा हुआ। मुझे ये बताइए कहाँ सही है आपको शादी करनी है, वो भी भाग कर, 19 साल की आप हो, ये सही है? ये बात पता है, समझा समझा के मैं परेशान हो गया हूँ, थक गया हूँ। क्या क्या मुझे तक क्या क्या बोल दे रही है, आपको बता नहीं सकता क्या क्या बोल दे रही है। एक टाइम तो इन्होंने ये कह रहा है कि तुम मुझे यूज करके छोड़ना चाह रहे हो और लड़कों की तरह। यार मुझे पता है खुशी, ये भी बहुत तुमसे प्यार करते हैं। चुप तो हो जाना, क्यों रो रही हो इतना? वो आखिर बोल रहे हैं, समझा रहे। देखो इधर देखो, मेरा एक बात बोल रहे हैं, समझा रहे। सुनो तो, सुनो खुशी, मुझे पता है। सुनो सारा दुनिया की बाहर में, अभी के लिए मैं तुम्हारा एक अच्छा दोस्त हूँ, अच्छा फ्रेंड हूँ। चलो एक बात सुनो, चुप हो जाओ। मैं तुम्हारा साथ दूंगा और मैं तुम्हारा शादी करवाऊंगा। क्या बोले यार, एक मिनट सुनो मेरा बात। सुन तो लो ना, एक बार सुन लो बाबू, आप सुन जो तो लो। जो भी पूछेंगे सही सही बताओगे? हाँ बोलोगे सही सही? हाँ। सबसे पहले मुझे ये बताओ, तुम इससे कितना प्यार करती हो? मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ। कितना प्यार करती हो? अगर कोई तुमसे पूछे कि तुम इससे कितना प्यार करती हो? अगर मेरी से शादी नहीं हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगी। यही बात लगा के रख रखा है। कभी कहती है अपने माँ बाप से कितना प्यार करती हो? बहुत ज्यादा। तुम बताओ मुझे ये, अगर तुम्हारी शादी तुम्हारे माँ बाप के खिलाफ हो तो उनके दिल पे क्या बीतेगी? बोलो, कुछ पूछ रहे हैं वो। वो तुमसे प्यार करते हैं? हाँ। तुमको मनाने की कोशिश करो ना। हाँ मुझे पता है शादी के बाद मेरे फैमिली वाले मान जाएंगे, मैं उनको मना लूंगी किसी तरह। मैंने इसे बहुत सारी शादियां देखी है। शादी के बाद मना लोगी, शादी से पहले उनके समाज में इज्जत क्या रहेगी बाबू? क्या हमारी खुशी उनके लिए मायने नहीं रखती? तुम चाहते हो
तुम चाहते हो कि तुम्हारे जो भी माँ बाप हैं समाज में सर झुका कर चले, ये बात इसको मैं चार उनका दिन सर से नीचे हो जाए। चार दिन से ये बात तुम चाहती हो। हम लोग जिस सोसाइटी में जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं ना बाबू, वो जो फैमिली है ना, लोग बस एक मौका खोजता है, एक मौका तलाश करता है लोगों को कैसे नीचे गिराया जाए, और वो तुम मौका दे रही हो लोगों को बोलने का, तुम्हारे माँ बाप को लोग बोलें। यही बात समझ तुम्हारे कारण तुम्हारे माँ बाप को कोई गाली दे, तुम्हारे कारण कोई तुम्हारे माँ बाप को बुरा भला बोले कि देख उसकी बेटी उसके साथ भाग गई है, कैसा सुनने में कैसा लग रहा है यार। यही बात समझा रहा था ना मैं, सोच के तो यार देखो ना बाबू, आपको क्या लगता है प्यार करना, सुनो मेरा बात, प्यार करना बुरी बात नहीं है ठीक है, मगर सारा चीज को हैंडल करना सीखो। पता है एक बात, उसी माँ बाप के खिलाफ अगर कुछ भी काम करती हो, अगर तुम्हारे कारण अगर माँ बाप को तकलीफ होती है ना, तो माँ बाप का है ना कभी भी ऐसे उनका हृदय होता है कि ऊँट से कभी भी बच्चों के लिए बद्दुआ नहीं निकलेगी, पर याद रखना उनका जो रोवा बद्दुआ देगा ना, फिर कहीं की नहीं रहोगी, पूरी ज़िंदगी ऐसे ही तरप तरप के रहोगी यार। हाँ बताओ, एक पल की खुशी के लिए तुम पूरी ज़िंदगी को बर्बाद करोगी, समझो मेरा बात यार। दानिश भाई मैं क्या बताऊँ, आप ही बताओ, अब बताओ यार, सुनने को तैयार नहीं हो रहे, बोलो रो कितना रही, अब मुझे बुरा लग रहा है, नहीं लग रहा। कभी भी माँ बाप का ना दुआ लिया करो, और ये रोवा मत करो यार प्लीज, माँ बाप का दुआ लो, चाहे वो किसी भी कंडीशन में हो यार, उनका जब रोवा बद्दुआ देगा ना यार, तुम्हारे बच्चे समझो कि तुम्हारे से बात नहीं करेंगे फिर। थोड़ा तो हंसो, देखो कैसे कैसे बोलो, चलो देखो एक बार, देखो मत यार, हंसती बहुत प्यारी लगती है यार, रो मत प्लीज, देख इतना प्यार करने वाला लड़का मिला यार, चुप हो जा, मुझे कभी कोई लड़की ऐसी मिलती नहीं जिससे मैं इतना डाई हार्ड प्यार करूं, जो मुझे इतना गहरा तरीके से समझाया यार, चुप रहो, चुप रहो। कोई गर्लफ्रेंड कोई है लड़की तुम्हारी नजर में, मेरा सेटिंग करवा दोगी? चलो हो गया हो गया, मैं बात करूंगा तुम्हारे माँ बाप से, चलो दानिश भाई को मैं लेकर चलूंगा साथ में, मगर एक बात, मैं तुम्हारे माँ बाप से एक ही शर्त पे बात करूंगा, मेरे लिए कोई अच्छी गर्लफ्रेंड बना दो। ये क्या बात, एक बार तो हंस दो, पता है इसका स्माइल बहुत किलर है, आप देखना मत वरना फिर आप भी फैन हो जाओगे, बस स्माइल की स्माइल देख कर मैं खुश हो गया था, एक स्माइल के वजह से पता हो तो गया ना, देखो कितनी तारीफ कर रहा है। बिल्कुल यार, दूर हो, चलो दूर हो जा मेरे से। दोस्तों एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मुझे पता है इंसान जब प्यार करता है तो ना जाति देखता है ना धर्म देखता है, बस प्यार हो जाता है, पर उसी प्यार के चक्कर में बहुत सारे ऐसे लड़का और लड़कियां होते हैं जो अपने माँ बाप को बदनाम कर देते हैं यार, कहीं ना कहीं उनको नीचा गिराने की कोशिश करते हैं ना चाहते हुए भी। तो मैं बस आप लोगों से एक ही बात बोलूँगा यार, प्यार करना बुरी बात नहीं है, बट कुछ भी करो यार अपने माँ बाप को देखते हुए करो, कि अगर आपके कुछ भी एक्टिविटी से आपके माँ बाप पे क्या इफेक्ट पड़ रही है। जो भी हो, यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें प्लीज़ कमेंट करके बताएं, वीडियो का कौन सा पार्ट आपको ज़्यादा बेस्ट लगा वो भी बता दें, और वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करें यार, दबा के एकदम शेयर करें, ताकि ये मैसेज लोगों तक जाए और लोग थोड़ा सा इंस्पायर हो इस मैसेज से। और एक और बात यार, 5 लाख होने वाले यार, प्लीज़ करवा दो इस साल में, अगर नहीं हुआ, अगर इस साल में 5 लाख नहीं हुआ तो मैं तब भी वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू सो मच।